हाँ इधर जाने दे। हेलो जी गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं कल रात में आके माथा में रुक गया था। माथा में हम माथा पहुँचते रात में 10 बज गए थे। 10 बजे हेमचोने होटल नाम का है मार्फा, मेन मार्केट में, छोटा सा विलेज है मार्फा। और यहाँ पर हमें स्टे मिला था, ये म्यूचुअल बेड्स हमें मिल गए थे, तो हमने यहाँ पर स्टे कर लिया था गाइस। और अभी का जो प्लान है वो प्लान है हम यहाँ पर अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर निकलेंगे मुक्तिनाथ के लिए गाइस। मुक्तिनाथ का जो डिस्टेंस है लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है। फर्स्ट आएगा जोमसोंग, फिर आने के बाद वापस हम यहाँ को भी एक्सप्लोर करेंगे गाइस। तो चलते हैं, अभी थोड़ा सा होटल दिखाता हूँ, फिर चलते हैं मुक्तिनाथ की ओर। तो ये रहे सारे हमारे लगेज, हाँ सारे ट्रैवलर, पायलट इधर, को पायलट इधर, को पायलट सभी, और हम हैं खल्लासी। तो गाइस कल आकर हमने मार्फा में हीराजन होम्स में हमने स्टे किया था, और यहाँ से पूरा नज़ारा है, पूरा नज़ारा है मार्फा का। यहाँ पीछे है मार्फा विलेज, पीछे वो मैं बाद में आपको एक्सप्लोर करूंगा। फिलहाल अभी जाना है हमें मुक्तिनाथ। और यहाँ की जो हॉस्पिटलिटी थी बहुत ही अच्छी थी, सभी हेल्पिंग नेचर थे। यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखी है, आप जब भी आना चाहे तो यहाँ स्टे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्लेस है, बहुत ही शानदार मज़ा यहाँ पर आया है। और जिन्होंने मुझे अच्छी सी हॉस्पिटलिटी दी वो मैडम यहाँ पर है। मैम नाम क्या आपका? हेलो नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम शशि, आई एम शशि हीराजन एंड रनिंग दिस होटल इज क्वाइट न्यू वन। Maybe since like 6 months I'm running this hotel. Okay. And here my guests, they are such a good people. They come very late in the night time. Last night they came very late, but still I provide them. I feel so good that I was able to provide food to them. Hmm. And I'm from here, from Marfa. This is Marfa, my town. It's very old. Maybe it's 100 years old. 100 years old. Okay. Yeah. But this is the not oldest town. The oldest town is over there. Okay. Upper hill, जो like 1.5 hour लगता है। अगर आप pedal गए। अगर trek करना पड़ता है। Yeah, अगर आप pedal गए तो 1.5 hour. But now there is road. Okay. What is the specialty of this village? This village, I mean, its specialty actually, you know, the Marfa is known as the apple capital of Nepal. It's really famous for apple. We have so many apples here, so good apples. But nowadays the apple quality is little down. Because of the climate, because of the global warming, I think apple quality is going down. Okay. Yeah. Little down. And the people who live here mostly they are Buddhist. Buddhist, okay. Yeah. Okay. सही बात है। कुछ चेंज भी चाहिए। चाहिए। तो गाइस अभी मुक्तिनाथ बढ़ रहे हैं। ये है कागमिनी का टर्न, जहाँ से हम ये देखिए रोड देखिए गाइस, रोड देखिए पूरा फन हो रहा है यहाँ पर, पूरा मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है गाइस। वाह 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 वाह, रोड बता तो बाहर से, बाहर से भी दिखाता हूँ रोड, नहीं दर्शकों को बाहर से रोड दिखाना पड़ेगा। हमारे टायर्स को दिखाओ, हमारी गाड़ी मूवमेंट को दिखाओ, मूवमेंट को दिखाता हूँ ठीक है। अभी आप नजारा देखिए बाहर से। अभी हम जा रहे हैं इस साइड में, और रोड तो एज यूजुअल मुस्तांग की जो है वैसा, मतलब कुछ ज्यादा तारीफ नहीं कर सकते हैं इसकी, रोड की तारीफ नहीं कर सकते। अभी मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, एक्चुअली गोप्रो का बैटरी डिस्चार्ज है मेरा, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिए और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आपको मजा आ रहा है। आगे और भी अच्छे अच्छे नजारे आपको मिलने वाले हैं, हो सकता है हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा वहाँ, मेरे को लग रहा भैया हाइट पे, हाइट पे चढ़ना पड़ेगा, वहाँ हाइट पर हमें चढ़ना पड़ेगा गाइज। अभी सो गाइज ये है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा रेंज, ये ऊपर जो टॉप है अन्नपूर्णा टॉप है ये, जो कि पोखरा से नजर आता है। वापस हम यहाँ पर गलत आ गए रोड पर, मतलब यहाँ पर दिशा बहुत ज्यादा भटक रहे हैं यार, डायरेक्शन जो भटक रहे हैं बहुत ज्यादा भटक रहे हैं। भैया गाड़ी पीछे ले लो, रिवर्स ले ले एक बार। हाँ हाँ देखिए भैया कैसे कैसे माउंटेन रेंज है, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर मुस्तांग में माउंटेन रेंज देखिए यार, मजा आ जाएगा यार। हाँ बिल्कुल ये देखिए। तो गाइस ये आ चुका है जोमसोंग, जो हमारा कल का स्टे प्लान कर रखा था हमने, तो ये एयरपोर्ट ऑफिस है जोमसोंग का, और यहाँ ये है मार्केट एरिया जोमसोंग का पूरा। तो
ये ज़्यादा मारफा से ज़्यादा इसके डिस्टेंस नहीं है, लगभग मारफा से 20 से 25 मिनट का रास्ता है जोमसा पहुँचने का, 7 से 8 किलोमीटर। यहाँ पर क्या एक गली से कनेक्ट करने के लिए, दूसरे गली को कनेक्ट करने के लिए ऐसी गाड़ी है, ऐसी बाइक, ऐसे सस्पेंशन ब्रिज पे चलती है भैया। ये देखिए बहुत ही शानदार लोकेशन है, बहुत प्यारी लोकेशन है और बहुत ही फन कर रहे हैं, बहुत ही ऑफ रोडिंग करके आए हैं गाइज। अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें आप जैसे सब्सक्राइबर चाहिए और हम ऐसा ही कंटेंट क्रिएट करते हैं फ्यूचर में भी। अब व्यू दिखा दो भैया, व्यू सकते हैं आपको क्या करना है। सही बात है, अपन पहले से प्रिपेयर नहीं हो सकते, यहाँ आपकी प्लानिंग सब फेल हो जानी है। तो देखिए गाड़ी हाइट पर चढ़ रही है अच्छी खासी, पड़ेगा हमें वो देखो सामने। तो यहाँ पर पूरे बादलों की टक्कर में हम बादलों के पास आ गए हैं, देखिए आप बादलों के बराबर है। ये आपका वो है, ये अन्नपूर्णा है या धूलागिरी, ये पार्किंग एरिया है ये, और सर्विस सेंटर भी महिंद्रा। नो सेल्फी ऑन वॉल। तो गाइस हो सकता है आपका आवाज नहीं आए, ये है माउंट अन्नपूर्णा। और ये देखिए यहाँ पर हम हैं, सीजन की कमी कोई फील हो रही है यहाँ पर गाड़ी, मतलब फर्स्ट में चल रही है, दबाव बन रहा है इंजन के ऊपर दबाव बन रहा है, बदल रहा है। सही बात है, यहाँ पर अब धीरे धीरे जाकर ऑक्सीजन की कमी होने वाली है, यहाँ पर एयर प्रेशर भी थोड़ा कम होने वाला है और एयर थी होने वाली है। तो गाइस हो सकता है इंजन पर प्रेशर आए, इंजन इतना अच्छा प्रॉपर वर्क नहीं कर पाए, हो सकता है ये सब सूखा सूखा ड्राई माउंटेन है, और ये है क्या ड्राई माउंटेन है, तो हो सकता है आपकी गाड़ी में परेशानी है। ये बाइक की बात ये है कि छोटी मोटी वनस्पति है, ऑक्सीजन आपको दिक्कत जाना आने वाली नहीं है, वनस्पति। ओके, तो फिलहाल ये देखिए ये नज़ारे, ये देखिए ये, वाह 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 वाह, अति सुंदर। तो गाइस अभी जस्ट हमने रिंगा क्रॉस किया है, खिंगा क्रॉस किया उधर से, और अभी हम बढ़ रहे हैं मुक्तिनाथ की ओर। आई थिंक यही मुक्तिनाथ है, लेकिन कंफर्म मैं नहीं कह सकता आपको जब तक कोई लोकल यहाँ नहीं मिलता है। हो सकता है टेम्पल ऊपर हो, तो चांसेस तो पूरे मुक्तिनाथ के हैं। पूरा एरिया ग्रीन है यार, ये शानदार, अच्छा एरिया, बहुत अच्छा डेवलप कर रखा है मुक्तिनाथ को। यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि एमएस का इशू आएगा भैया, नहीं का, क्योंकि ग्रीन कर रखा है, नहीं झारकोट विलेज है, झारकोट है। सो गाइस ये मुक्तिनाथ नहीं है, मैंने बताया आपको ये मुक्तिनाथ नहीं है, झारकोट विलेज है। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम आ रहे तो हो सकता है कि मैं प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दूँ, लेकिन आपको प्रॉपर डेटा मिल जाएगा इस एरिया का। तो ये भी अच्छा झारकोट विलेज है, और ये यहाँ पर ग्रीन एरिया है, मतलब एमएस के चांसेस नहीं है। एमएस मींस हाई एटीट्यूड सिकनेस, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए। जब आप ऑक्सीजन की, जब आप हाइट पे आते हैं तो आपको आपकी ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे आपको सांस लेने में परेशानी आती है, और अगर आप ये इसकी अगर खराब कंडीशन देखें तो उसमें डेथ भी हो सकती है पर्सन की। हाँ, लोकेलिटी में वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो फेफड़ों को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, उस समय आपकी आपको एमएस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू यार, ये तो झारकोट विलेज भी बहुत अच्छा है। देखो झारकोट, मैंने तुझे नहीं कहा क्या, झारकोट विलेज है हमारा, वहाँ है मुक्तिनाथ, ठीक है, ड्राई ओके, ऊपर जाना होगा नहीं, ये पूछ लेते हैं सर भैया झूले मुक्तिनाथ ऊपर आगे, थैंक यू। तो गाइज यहाँ आ गया है, यहाँ बिल्कुल प्लेन आया है, ये विलेज है खिंगा नाम का विलेज है, जस्ट मुक्तिनाथ से पहले ही है, और उन पहाड़ों के बीच में नहीं, तो यहाँ से भी कुछ ऐसे व्यू है, यहाँ से देखिए आप शानदार नज़ारे पूरे धौलागिरी रेंज के, और पीछे है जस्ट माउंट अन्नपूर्णा। एक अपडेट मैं आपको दे देता हूँ, जोमसम से अगर आप आ रहे हैं थोड़ा सा मुक्तिनाथ के लिए, तो जोमसम से मुक्तिनाथ का रोड बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ऑफ रोडिंग है, मतलब बढ़िया ही कहूँगा, ब्लैकटॉप भी मिल जाएगा आपको, लेकिन सबसे जो खराब रोड है मुस्तांग का वो है बेनी से लेकर लेते के बीच का, बेनी से लेते वाला अगर आपने फोर व्हील ड्राइव में, मतलब इसमें कार में आपने क्रॉस कर लिया तो आपको मुस्तांग हो जाएगा। अगर आप जमा होते हो, अगर आपका ब्रेकडाउन होता है तो उसे बेनी से गासा या लेते के बीच में ही होगा, और कहीं नहीं होने वाला है गाइस। ये एक ऐसी अलग ही चीज मिली है हमें यहाँ पर,
ये कुछ है, और आई थिंक ये यूएफओ हो सकता है, यूएफओ यहाँ पर लैंड करता हूँ ऐसा लग रहा है, जिसको ऐसा मेरा मानना है। अच्छा रोड अच्छा था इसलिए डर नहीं लगता। तो यहाँ से गाइज अभी झारखंड से 203 किलोमीटर के डिस्टेंस है मुक्तिनाथ का। तो ये है फर्स्ट व्यू मुक्तिनाथ का, यही है हमारा एंडिंग पॉइंट, यहाँ तक का हमारा परमिट है मुक्तिनाथ का, इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे, और यहाँ तक आ गए हम बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत है गाइस। हाँ तो दोस्तों हम मुक्तिनाथ में एंट्री करने वाले हैं, और ये आ चुका है मुक्तिनाथ, मुक्तिनाथ यहाँ से 0 किलोमीटर, मुक्तिनाथ 0 किलोमीटर। तो यहाँ से हमें यह कन्फर्म करना पड़ेगा टेम्पल, ये मुक्तिनाथ है टेम्पल दिखे, ओके ये स्टेशन है यहाँ का। तो हमने वहाँ पर अपनी गाड़ी रखी है पीछे, वो बस स्टैंड टाइप है, बस स्टॉप है, वहाँ पर बाइक गाड़ी हमने रखी है, और यहाँ से थोड़ी सी हाइक करके ऊपर टेम्पल की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से शॉर्टकट लिया ये, और ये यहाँ आगे टेम्पल है, वहाँ ऊपर टेम्पल है, तो हम प्लान करेंगे शॉर्टकट ही लें, लंबा जाने से मतलब नहीं। हाइट 38 मीटर, थोड़ी सी चलने में दिक्कत हो रही है, ट्रेकिंग है तो करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, टॉप पे जाने तो करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, सही बात है। यहाँ तक आए हैं, गाड़ी वहाँ पार्क की है, वहाँ जाना ही है, जाना ही भाई साहब, चलो ट्रेकिंग कर रहे हैं। तो गाइज अभी हम इधर आए हैं, यहाँ ये टेंपल एरिया है, और ये भी टेंपल है, ये स्तूपा है ऊपर, और इधर यहाँ बुद्धा स्तूपा है, ये हाइट है, और यहाँ पर है टेंपल गाइज। तो अच्छी खासी पॉपुलेशन है, थोड़ा सा मार्केट टाइप का बनाया है, होटल स्टे भी आपको यहाँ मिल जाएगा, और हम इधर से आए हैं, हमने शॉर्टकट लिया था इधर से, लेकिन बेटर है आप इस रोड से आए। चलो ऊपर चलते हैं आप। तो गाइज अभी हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ स्तूपा की तरफ, क्योंकि यहाँ तक आए हैं, ऊपर तक नहीं जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा गाइज। तो चलते हैं धीरे धीरे आराम से, आनंद लेते हुए, और बच्चों का जोश देखिए, दो जोश मतलब दो बच्चे, एक तो है 2.5 साल का है, एक है 4.5 साल का, और जो 3800 मीटर पे ये स्पीति कर चुके हैं, लद्दाख कर चुके हैं, नहीं लद्दाख अभी नहीं करा है, लेकिन स्पीति कर चुके हैं ये, और बहुत सारे एडवेंचर टूर कर चुके हैं। इन बच्चों के लिए कमेंट कर दिए कि क्या ये जोशीले बच्चे हैं क्या। हेलो जोशीले बच्चे, मजा आ रहा है, राजस्थान से, तो इस एज के पहले बच्चों के। तो अरे भाई साहब बटे का बटे कटे ना गया भाई, हां राजस्थान से खेलते हैं, जोश देखो, कम नहीं हुआ, रब मारो बटे, खींच खींच के मारो बटे भाई, जोश बरकरार। यहाँ पे अच्छे लोग एमएस के शिकार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, नीचे जाके हॉस्पिटल लेते हैं, चलो मीर क्या बोलना चाह रहे हो अभी बताओ, यहाँ के लिए दर्शकों के लिए क्या बोलना चाह रहे हो, और इतना जल्दी पास में आओ, मजा आ गया, और क्या कहना चाहते हो, यहाँ पर क्या लेके आए, बाइक लेके आए या कार लेके आए, बाइक लेके आए और कार भी लेके नहीं आए, कार लेके नहीं आए, क्यों कार लेके क्यों नहीं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, हाँ वो तो कर लेंगे, लेकिन कार लेके क्यों नहीं आए, क्या रीजन है, ऐसा रीजन है, ये पूरा लोकमार्ग पूरा बीच में लगा हुआ है, इसे नहीं रहे, इधर पुलिस वाले चालान भी काटते हैं, और वो ये यहाँ पर इधर तो देख भाई, और ये ऑफ रोडिंग कैसी है, ऑफ रोडिंग बता दे भाई, ऐसी वाली है, कैसी वाली, फिसल वाली है, फिसल वाली ऑफ रोडिंग है। सो फाइनली गाइज यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ से मुक्तिनाथ विलेज का जो व्यू है वो इस तरीके से गाइज, ये है पूरा मुक्तिनाथ, मुक्तिनाथ का एरिया, ये पूरा मुक्तिनाथ, और ये है मुक्तिनाथ का मेन टेम्पल, वो दिख रहा है वो, और यहाँ से ऊपर चढ़ के आया हूँ गाइस, और यहाँ पर बुद्धा का स्तूपा है, और ऊपर जाऊँगा मैं अभी, तो गाइस ऊपर जाके ऊपर से व्यू दिखाता हूँ आपको, बने रहना ब्लॉग के अंदर। हा यस, सो फाइनली हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन था यहाँ का मुस्तांग का, वो कंप्लीट हो चुका है, मुस्तांग का फाइनल डेस्टिनेशन है मुक्तिनाथ, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ से जो व्यू है कुछ ऐसा है गाइस, तो एक सुकून भरी जगह गाइस, ये अच्छी जगह, ये देखिए, और यहाँ से पूरा ऐसा ना ऐसा नज़ारा मिलेगा, हमारे साथी गण आ रहे हैं उधर से पूरा ये नज़ारा, यस कम अप साइड, हाँ